दोस्तों नमस्कार। पार्टनर की हीलिंग कैसे करते हैं, डायरेक्ट पार्टनर की हीलिंग, उसका मैं आपको पूरा मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले पार्टनर के शरीर पर कोई भी मेटल हो, ताबीज या बेल्ट, पर्स या किसी भी इष्ट देवता की फोटो, वो उतरवा देंगे। ज्वेलरी होगी वो उतरवा देंगे और किसी भी तरह के और भी जैसे लोहे की चीजें ना हो, पीतल की चीजें ना हो, वो सब उतरवा देंगे। और खुद जब आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपके शरीर के ऊपर भी ये सारे मेटल्स नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, मैंने बेल्ट निकाल दिए हैं, मेरे पास कोई ताबीज भी नहीं है और कोई भी ऐसी माला वगैरह भी मेरे पास नहीं है। और पार्टनर को आप ऐसे लिटा देंगे सीधा सीधा, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे और बोलेंगे कि अपने शरीर का कोई भी दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने अपने दोनों हाथ बांध रखे हैं तो अभी हाथ इनके हटाने होंगे, सीधे दोनों हाथों को नीचे रखना होगा और पूरी तरह से रिलैक्स रखना होगा अपने पार्टनर को बोल देना। और आप अपने सबसे पहले आप पीछे इधर सिर की तरफ बैठेंगे, जिससे कि आप शुरुआत अपने आंखों से कर सकें, इनकी आंखों से नहीं कर सकें। और पार्टनर को रिलैक्स करा के लिटा देंगे और दो तीन बार उनको बोलेंगे कि लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं और शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स कीजिए। शांत शांत शांत। इतना करने के बाद आप हीलर हैं, चाहे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जैसे कि थर्ड लेवल तक के हीलर्स के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे थर्ड लेवल के हीलर्स के पास मास्टर सिंबल है या दूसरे और सिंबल्स हैं, वो कैसे हील करें। सबसे पहले जब हीलर ने इनको रिलैक्स करा लिया तो अपना नमस्कार की मुद्रा में बैठेंगे। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई पार्टनर। पार्टनर का नाम ले लेंगे मन ही मन और पार्टनर को अपने थर्ड आई में विजुलाइज करेंगे और थर्ड आई में सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाएंगे। और यहां पर ड्रॉ द फोर सिंबल, जैसे हॉन्शा जेशुनिन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे थर्ड आई में अपने पार्टनर के ऊपर। थ्री टाइम चैंट करेंगे हॉन्शा जेशुनिन, हॉन्शा जेशुनिन, हॉन्शा जेशुनिन। सेहे की ड्रॉ करने के बाद थ्री टाइम चैंट करेंगे सेहे की, सेहे की, सेहे। चोकुरे ड्रॉ करने के बाद थ्री टाइम चैंट करेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मास्टर सिंबल ड्रॉ करेंगे दाइकुमी दाइकुमी दाइकुमी। अगर पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम है किसी चीज को लेकर, ज्यादा डीप में है, तो जोनार ड्रॉ करेंगे और शांति भी ड्रॉ करेंगे। और रिश्ते की प्रॉब्लम है पार्टनर को तो सती सिंबल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद अपने दोनों हाथों को कप शेप में बनाएंगे और अपने पार्टनर के आंखों पे रखते हैं। रिलैक्स, आपकी आंखें बंद, पार्टनर की आंखें बंद, हल्के से रखेंगे। व्हाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ पाएंगे इसी पार्ट पर। और अभी जितने सिंबल आपने बनाए थे, अगर आप सेकंड लेवल के हैं तो थ्री सिंबल आपने बनाए होंगे, मास्टर लेवल और उससे ऊपर के हैं तो आपने उतने सिंबल बनाए होंगे, वो सारे सिंबल बना के ड्रॉ करके तीन तीन बार चैंट कर दीजिए। इसे वन सेट सिंबल ही कहते हैं। चैंट करके अफर्मेशन डालिए कि मेरे पार्टनर के जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आई साइड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ के सेल्स हेल्दी हैं और ये जीवन में खुशहाल है, सुख में है, शांति। तीन मिनट हो जाएगा, तीन मिनट के बाद आपको अपने दोनों हाथ टेम्पल पे रखें, व्हाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ पाएंगे इस स्थान पे। ड्रॉ द वन सेट सिंबल, वो सारे सिंबल जो आपने पहले बनाए थे वही सिंबल यहां बनाए। अफर्मेशन देंगे टेम्पल का पार्ट हेल्दी है और ब्रेन पावर स्ट्रांग है, मेमोरी पावर स्ट्रांग है,
और ये शांति सुख में है, खुशहाल है। नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, वही प्रोसेस सेम करेंगे जो आपने अभी तक किए हैं, दो पॉइंट पे किया, इस पॉइंट पर भी करेंगे। नेक्स्ट पार्टनर के सीट को थोड़ा उठाएंगे और एक हाथ मस्तक के आगे और एक हाथ मस्तक के पीछे, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट आपको दोनों हाथ क्राउन चक्रा पे यानी कि मस्तक के पीछे व्हाइट रेड लाइट से घिरा हो पाएंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरह से आपको आगे लगातार टूटी ऑन गर्दन के पीछे, गले के पीछे, वही प्रोसेस। नेक्स्ट थायराइड एंड थाइमस, उसके बाद हार्ट चक्र। अब यहां से आपको क्या करना है, इस सुविधा के लिए यहां से उठकर आप इधर आ जाएंगे आराम से, किसी भी साइड में आ सकते हैं, लेफ्ट में या राइट में। हार्ट चक्र सेम प्रोसेस करेंगे, सारे सिंबल्स बनाएंगे, सोलर प्लेक्सस, आप लंग्स करेंगे, कॉलर बोन को टच कर लेंगे लंग्स, कुछ कुछ पार्ट पे थोड़ा ऊपर से कर सकते हैं। पेट के दाईं तरफ पसलियों के नीचे पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, पेट के बाईं तरफ पसलियों के नीचे पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, उसके बाद दाईं तरफ लीवर, फिर सैक्रल चक्र और रूट चक्र, लेग ज्वाइंट, यहां पर भी वही प्रोसेस करना है। अब यहां से उठ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको हील करना है, नीज, दोनों हाथों को नीज पर रखेंगे, सारे सिंबल यहां भी बनाएंगे, व्हाइट रेड लाइट से घिरा हुआ पाएंगे। उसके बाद एंकल एंड फिट सोल, फिर नेक्स्ट एंकल एंड फिट सोल। दोस्तों यहां पर आपको अपने पार्टनर की बॉडी में आपने जो एनर्जी डाली है उसको कैसे शील्ड बनाएंगे वो आप देख लीजिए, इसकी बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी पार्ट है। और ऑनलाइन में जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो लोगों को यहीं पर समझने में प्रॉब्लम आती है। दो उंगलियों को आप गन फॉर्म में बनाएंगे और आप कंधे से लेकर हाथ तक स्पाइरल राउंड करेंगे, लो, ये एनर्जी सील्ड हो गई इनके अंदर, बॉडी के अंदर। अब अपने पार्टनर को कहेंगे कि पेट के बल हो जाइए, अब आप इस साइड में ही बैठ जाइए आराम से, और यहां से कंधे, यहां पर भी व्हाइट रेड लाइट से घिरा हुआ पाइए और वो सारे सिंबल बनाइए, अफर्मेशन दीजिए। फिर नेक्स्ट थायराइड एंड थाइमस बैक साइड का सेम प्रोसेस, हार्ट चक्र सेम प्रोसेस, सोलर प्लेक्सस सेम प्रोसेस 3-3 मिनट का, किडनीज सेम प्रोसेस, सैक्रल चक्र, उसके बाद रूट चक्र। ये 7 पॉइंट पीछे का आपने कर लिया। उसके बाद आपको वी शेप में अपनी उंगलियों को करना है और स्ट्रोक देना है 3 से 4 बार, जिससे कि कहीं भी एनर्जी डिस्टर्ब हो, कहीं ज्यादा कहीं कम हो गई है तो वो बैलेंस हो जाए। वी शेप में इस तरह से उंगलियों को बनाएंगे, ये वी शेप में बना के यहां पे रखेंगे, 1 2 3। अब आप अपने पार्टनर को धीरे से उठकर बैठने के लिए कहेंगे, आराम से धीरे से उठकर बैठ जाइए। अपने पार्टनर की फुल बॉडी ऐसे हीलिंग करेंगे, फुल बॉडी हीलिंग करके, अगर आप फर्स्ट लेवल में हैं तो प्रोसेस वही करेंगे, सिंबल नहीं बनाना है,
सेकंड में है, थर्ड में है, तो सेम प्रोसेस रहेगा और सिंबल बनाना है। अब जब इनको आपने उठा दिया, उसके बाद से दोनों हाथों को आप जोड़ लेंगे ऐसे जैसे शुरू में किया था, दोनों हाथों को आपस में जोड़कर और सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाएंगे और अपने पार्टनर को थर्ड आई में लेंगे और वो सारे सिंबल बना देंगे जो आपने पहले बनाए थे। बनाने के बाद आप दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे और 3 से 4 बार रेकी को लॉक करेंगे ये, उसके बाद थैंक यू बोल के अपना काम करेंगे, थैंक्स टू पार्टनर, थैंक्स टू रेकी एनर्जी। और फिर चाहे तो अपने पार्टनर से कुछ भी एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि 1.5 घंटे में आपकी हीलिंग हुई और क्या क्या आपको रिजल्ट आया। थैंक यू दोस्तों।